अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 12 जो इलास्ट्रेशन 16 आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143 पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, इफ़ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स इज़ वाई कैप इज इक्वल टू 12 माइनस 1.5 एक्स एंड द मीन ई एक्स इज 6, फाइंड आउट द मीन ऑफ वाई। अभी बच्चों यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर हमने मीन का तो कभी ढूंढा ही नहीं है, मीन ऑफ वाई। तो वाई कैप कितना होगा, 12 माइनस 1.5 एक्स। तो आप बोलोगे वाई कैप इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स। तो आप बोलोगे सर वाई जो है, ए जो है वो 12 है, बी जो है माइनस 1.5 है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर अभी कैसे करना होगा, तो आपको खाली सिंपलीफाई, एक एक्स कितना दिया हुआ है, ये आपको एक्स टर्म इस बार मीन के टर्म में दी हुई है। तो आप बोलोगे सर एक्स दिया हुआ है हमें 6, तो 12 माइनस 1.5, एक्स की जगह आप बोलोगे सर 6 लिख लोगे तो 12 माइनस कितना आएगा, करोगे 1.5 इंटू 6 करोगे तो आएगा 1.5 इंटू 6 करोगे तो होगा 9। सॉल्व करोगे तो वाई कैप हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 3, लेकिन हमें इस बार एक्स बार लिया था, मीन लिया था। तो आप बोलोगे सर आंसर जो था वो वाई बार की टर्म में लिखा जाएगा, तो वाई बार की टर्म में आएगा, वाई बार इज इक्वल टू 3। और इसके साथ हमारा ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सेम वे दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ उसमें भी सेम वैसा ही है। कुछ पढ़ते, इफ़ द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ये रिग्रेशन लाइन दिया हुआ है, वाई बार हमें दिया हुआ है और एक्स बार ढूंढना है, उल्टा बोला हुआ है। तो आप बोलोगे सर वाई बार पहले लिखो, वाई बार वाई कैप इज इक्वल टू 11.55 प्लस 0.65 एक्स। ये वाई कैप भी लिख सकते हैं, मैंने ये वाई कैप इठा दिया क्योंकि हम वाई बार बोलने वाले हैं इसको इस बार, 18 1.5 0.65 और ये हमारा एक्स बार हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 18 माइनस 11.5 डिवाइड बाय 0.65, तो हमारा मिल जाएगा एक्स बार। जो एक्स बार हमारा मिल जाएगा, डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, तो एक्स बार का आ जाएगा 10, वो फाइनल हमारा आंसर होगा। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। हम सेम एक दूसरा सम करते हैं, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 17 नंबर का सम। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आप बोलोगे सर एक्स बार दिया हुआ है, वाई बार दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मतलब कोऑफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन भी दिया हुआ है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, सब कुछ दे दिया है, सही बात है। तो वाई बार वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आप बोलोगे सर ए की जगह आप क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर ए नहीं दिया, तो पहले आप बोलोगे सर ए ढूंढना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो आप बोलोगे सर वाई बार कितना है 11, बी कितना है 1.2 और एक्स बार है 5। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, तो 11 माइनस 6, सॉल्व करोगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ए की जगह लिखोगे 5, बी की जगह आप बोलोगे 1.2 और एक्स की जगह एज इट इज़। तो आप बोलोगे सर हमें जो पूछा गया था वो हमने ढूंढ लिया, हमें रिग्रेशन लाइन ढूंढनी थी वाई ऑन एक्स जो हमने ढूंढ लिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2। तो इसके अंदर हमें क्या डिस्कशन करना है, तो हमें दिया हुआ है, अभी हम पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं एक्स बार इज इक्वल टू 60, वाई बार इज इक्वल टू 75। अभी दिया हुआ है सब में आगे जो मेन पॉइंट है, एस एक्स स्क्वायर इज टू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5:3, हमें ये दिया हुआ है। तो आप बोलोगे एस एक्स स्क्वायर अपॉन को वेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5:3। तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है वाई ऑन एक्स एंड एस्टिमेट करना है आपको आगे। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो सब में इन्फॉर्मेशन जो है आप पहले बी की फॉर्मूला लिखोगे। तो बी की फॉर्मूला आप बोलोगे सर बी में क्या होता है, आपको ध्यान वो रखना है कि बी की जो फॉर्मूला है वो क्या होगी, सी ओ वी को वेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो आप लिखोगे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये जो दिया हुआ है उसको हम रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड से, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3:5। तो अभी आप लिखोगे यहाँ पे कोवेरियंस की जगह आप लिखोगे 3 अपॉन 5।
तो आप बोलोगे सर ये डिवाइड करोगे तो 0.6 हमारा आ जाएगा। बस यही मेन पॉइंट था, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो आप बोलोगे वाई बार कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर 75, बी कितना है तो 0.6, एक्स बार कितना है 60। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 75 माइनस 36, सॉल्व करोगे तो ए आ जाएगा हमारा 39। इसके बाद बोलोगे वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेर ए इज इक्वल टू 39, बी इज इक्वल टू 0.6 और एक्स की जगह एक्स ही रखेंगे। आप बोलोगे सर ये क्या मिला, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स मिल गया। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करो, एक्स इज इक्वल टू क्या लेना है 65, तो आप वैल्यू पुट करते हैं 39 प्लस 0.6, एक्स की जगह आप लिखोगे 65, मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 39 प्लस 39 इज इक्वल टू हो जाएगा 78। तो इसके साथ आप बोल सकते हो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 75। इसके साथ हम बोलेंगे कि हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होगा, मेजोरिटी सारे कंसेप्ट कवर कर दिए है, लेकिन लगेगा कि टाइम बीइंग कोई नए कंसेप्ट आपको डिस्कस करने हैं तो हम वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और वो हम वीडियो डालते जाएंगे। अभी हम चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे इनको भी फ़ायदा हो। मिलेंगे नए वीडियो में।